इंदौर जिले की बेकमा पुलिस ने कस्बा बेकमा में 3 दिन पूर्व हुई 11 लाख की चोरी का खुलासा करते हुए फरियादी के ही भांजे को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि अनूप पिता प्रदीप सोनी उम्र 26 साल निवासी विंध्याचल नगर इंदौर को अपनी हिरासत में ले लिया गया है। प्रकरण की जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी अनूप सोनी जो कि फरियादी का भांजा होकर फरियादी के घर में ही रहकर काम देखता था, उसने अपनी अय्याशी के लिए मौका देखकर अपने मामा के घर से लगभग 250 ग्राम सोने के आभूषण चोरी कर लिए थे। वह घटना दिनांक से ही संदेह के घेरे में था। आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया है। हाँ बताइए सर। फरियादी सचिन सोनी ने थाना बेटमा पर उनके घर से सोने के गहने चोरी होने की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चोरी की घटना में किसी भी चोर के उनके घर में आने जाने के संबंध में कोई प्रमाण नहीं मिले थे, इसलिए ये शंका थी कि घर में आने जाने वाले या घर में रहने वाले ही किसी व्यक्ति के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में उनके घर में आने जाने वाले कई लोगों से पूछताछ की गई। चूंकि घटना बहुत बड़ी थी तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम बनाकर इसका अनुसंधान करने के निर्देश दिए थे। एक टीम जो है एडिशनल एसपी महू श्री धर्मराज मीणा साहब की थी, जिसमें जितेंद्र मिश्रा उसके इंचार्ज थे। एक टीम थाने से गठित की गई थी जिसमें वीरेन सिंह गौर उसके इंचार्ज थे। दोनों टीमों ने मेहनत करके रवि सोलंकी को पकड़ा। मुखबिर ने यह सूचना दी थी कि उसके पास एक हार है जिसे बेचने का वो प्रयास कर रहा है। उससे पूछताछ करने पर यह पाया गया कि फरियादी का भांजा अनूप सोनी जो उन्हीं के घर में रहता है, उनका काम देखता है, उसने वो हार उसे चुरा करके दिया था। फिर अनूप सोनी से पूछताछ करने पर एक हार, दो पाटले और एक कंदोरा उसी के रूम से बरामद किए गए हैं। देपालपुर से दीपक सेन की रिपोर्ट।